हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग बडीज। मैं आपका फ्रेंड मोहित फिर से आ गया हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। उसके अलावा हमारी आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, जितने भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारे मशीन लर्निंग के प्रोग्राम चल रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे कोडिंग चैलेंजेस के हम अपडेटेड दे रहते हैं, जावा के प्रोजेक्ट्स अपलोड किए जा रहे हैं, उसके अलावा हमारा वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यही सब आप हमारा चेकआउट कर सकते हैं। सो उसके आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। हम बातचीत करेंगे कि कौन कौन सी नई इंटर्नशिप अपडेट आई है, जॉब अपडेट आई है, और मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ मैं किस किस कंपनी की डिस्कस करने वाला हूँ इसमें। तो सब मैं इसमें डिस्कस करने वाला गूगल की तरफ से अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के बारे में बात करने वाला हूँ, और सेकेंडली आपको बात करने वाला हूँ इन्फोसिस की, बायजूस की तरफ से और अमेजोन की तरफ से। तो वीडियो को एंड तक देखिए और सबके बारे में आपको डिटेल नॉलेज देने वाला हूँ, ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है गूगल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आता है, जिसमें जो अप्रेंटिस प्रोग्राम होगा आपको बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा, जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अप्रेंटिस प्रोग्राम को मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ कि ये है क्या। तो गूगल ने ऐसा प्रोग्राम निकाला है जिसमें कि आप सीख भी सकते हो, जैसे आपको कोई स्किल सीख भी रहे हो और सीखते सीखते आपको गूगल उसके लिए स्टाइपेंड भी आपको प्रोवाइड कर रहा है मंथली बेसिस पे। सो ये होता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। सो इसके बारे में मैं आपको बात करूँ कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो सबके बारे में डिटेल बात करेंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए। सो मैं बात करता हूँ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के बारे में। तो उसमें आपको बताऊँ एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी बस इतनी सी ही है कि आपको अकेडमिक आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, इतना ही नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो चलेगा। उसके अलावा आपको इंग्लिश में बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बस इतना है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो अब मैं बात करूं कि अप्रेंटिस प्रोग्राम में यार कौन कौन सी स्किल हैं, क्या है, सो उसके बारे में मैं बात करता हूं कि गूगल की तरफ से, गूगल इंडिया जो है उसकी तरफ से दो प्रोग्राम अभी चल रहे हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। एक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रेंटिसशिप और एक है डेटा एनालिस्ट अप्रेंटिसशिप। मतलब जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्किल्ड होना है तो वो ये प्रोग्राम को चूज़ कर सकता है। उसके अलावा जिसको डेटा एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है तो डेटा एनालिटिक्स वाला प्रोग्राम चूज़ कर सकता है। तो मैं इस वीडियो में डेटा एनालिटिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो डेटा एनालिटिक्स अप्रेंटिसशिप के बारे में मैं बात करता हूँ, तो आप देख लीजिए दोनों ही एप्लीकेशन की लगभग आप देख लीजिए 14 जुलाई को लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी फटाफट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सारी डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। सो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लीजिए, क्वालिफिकेशन आपको डिग्री होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, डेटा एनालिटिक्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको थोड़ा सा। उसके अलावा आपको जैसे स्प्रेडशीट्स, वर्ड प्रोसेसर्स, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन यही है कि आपको नंबर्स और पैटर्न्स की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिक्स और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपकी इच्छा होनी चाहिए कुछ सीखने के लिए डेटा एनालिटिक्स। सो बस यही सब है, और आपको यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई पर जाना है। उसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें मैं आपको बता देता हूँ मेनली आपको क्या क्या करना है। आप देख लीजिए डेटा एनालिटिक्स अप्रेंटिसशिप सेप्टेम्बर 2021 स्टार्ट है। इसमें आप रिज्यूम बना दीजिए, एक रिज्यूम तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है सभी के लिए। हाँ, इसमें कोई भी मतलब अप्लाई कर सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, जिसका इंटरेस्ट हो डेटा एनालिटिक्स सीखने में वो अप्लाई कर सकता है, किसी भी ग्रेजुएशन फील्ड से हो, MA, BA, BCOM, BSc, जो भी हो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आप रिज्यूम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दीजिए, नेम, कंट्री वगैरह, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें आप सब भर दीजिए और बस नेक्स्ट पर चले जाइए। उसके बस अभी मैंने कुछ भरा नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ मेनली यही है कि आप नॉर्मल सा बिल्कुल सीधा साधा सा एप्लीकेशन फॉर्म है, आप भर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको रिजॉल्व करके आपको बता दूंगा। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता ये भर के दिखाने के लिए, ओके। अगर आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ओके। सो ये डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात हो गई। उसके अलावा मैं बात करता हूँ सेकेंड प्रोग्राम के गूगल की तरफ से, वो आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रेंटिसशिप। सो इसमें आप देख लीजिए इसकी भी लास्ट डेट 14 जुलाई है, और इसकी भी डिटेल्स आप देख लीजिए लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे इसमें भी डिग्री मांगी है, ग्रेजुएशन कोई भी हो। उसके अलावा उसमें डेटा एनालिटिक्स का प्रोग्राम तो डेटा एनालिटिक्स था, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस मांगा है। इसके अलावा स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसर की नॉलेज इसमें भी मांगी है। उसके अलावा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिक्स और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी मांगी है, और सेम एज इट इज़ आपको अप्लाई इसमें कर देना है अप्लाई पर जाके, ओके। सो ये था गूगल की तरफ से। अब हम बात करते हैं इन्फोसिस की तरफ से। सो इन्फोसिस की तरफ से हमारी जॉब आती है सिस्टम इंजीनियर की आती है। सो अब आप बोलोगे यार ये इन्फोसिस का पेज तो दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं यार, कहीं और वेबसाइट से मैंने लिया है,
जहाँ से मुझे डिटेल दी हुई है वहाँ से मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन ऑफिशियल इन्फोसिस की, सो आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट लिंक आ रही थी एप्लीकेशन की, सो मैं वो आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप देख सकते हैं जो 2021 का बैच है वो एलिजिबल है इसके अप्लाई करने के लिए। सो मैं बात कर लेता हूँ क्वालिफिकेशन के बारे में फटाफट। सो बीई, बीटेक, एमई, एमटेक ग्रेजुएट्स किसी भी ब्रांच के वो एलिजिबल हैं इसके लिए, और एमसी और एमएससी ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए अभी तक एक्टिव, और आपने इन्फोसिस में किसी छः महीने के अंदर आपने इन्फोसिस में किसी और प्रोग्राम में अप्लाई नहीं किया होना चाहिए। उसके अलावा आप देख लीजिए आपका पर्सनल डेटा एलिमेंट्स कौन कौन से कलेक्ट होंगे, ये सब आपका फॉर्म में भरे जाएंगे। उसके अलावा आप देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरत पड़ेगी, जैसे 10th 12th और अपने ग्रेजुएशन की डिटेल्स। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि क्या कैसे क्या होगा प्रोग्राम में, सो आप देख सकते हैं आपको जो कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें दो सिलेक्शन है, एक तो ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सो आप देख सकते हैं जो टोटल टेस्ट ड्यूरेशन है वो 100 मिनट्स का होगा। सो आपका इसमें 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है पेपर, आपका रीजनिंग एबिलिटी होगा, टेक्निकल एबिलिटी होगा, वर्बल एबिलिटी, स्यूडो कोड, न्यूमेरिकल पजल। जब आप इसको पास आउट कर देंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और एक अपना टेक्निकल राउंड होता है, उसमें टेक्निकल राउंड भी होता है, टेक्निकल एबिलिटी है, उसमें आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी चेकआउट हो जाती हैं। उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका। सो बस आप इसके थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं, और ये रहा आपका पेज इन्फोसिस का, इसमें जाके आप इसको एक्सेप्ट करके आपके लिए एक ये पेज खुल जाएगा जिसमें आप भर सकते हैं सारी अपनी डिटेल्स। ओके सो मैं आप भर के आप वीडियो को बेवजह लंबा नहीं करूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको भर के एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आती है हमारी बायजू की तरफ से, आती है बायजू की तरफ से हमारी जॉब आती है, और जॉब रो हमारा प्रोफाइल है लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट। अब ये बोलेंगे यार ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट क्या होता है, सो मैं आपको बता दूँ मोटा मोटा, जैसे कि अब बायजू का काम क्या है। बायजू का काम है आपका एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें वो एजुकेशन वीडियोस प्रोवाइड कराता है। सो अब इसमें क्या करना है कि जैसे बच्चे क्वेरीज पूछते हैं बहुत सारे, ये ऐसे कैसे होता है, तो इसमें क्या है कि आपको अगर साउंड नॉलेज है सो आप लोग क्या कर सकते हो कि उसके लिए कंटेंट आप लिख सकते हो। जैसे किसी बच्चे ने कोई पूछा कि यार ये बताओ कि क्यों घूमती है यार, अर्थ क्यों रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, सो आपको उसका एक रीज़न लिख के देना है जो कि वहाँ के एजुकेटर डिस्प्ले करेंगे बच्चों को। ओके सो ये आपका मेनली काम रहेगा, ठीक है। सो किसी भी डिग्री का अप्लाई कर सकता है इसमें, और आप देख लीजिए जॉब डिस्क्रिप्शन यही है, आप पढ़ लीजिए यही निकलेगा मेनली, मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दी हैं चीज़ें। उसके अलावा आप देख लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रोल्स, बस आपको 4th से 10th क्लास तक की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा आपको एरर फ्री स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं बच्चों के द्वारा जो का प्रॉब्लम है उसका। उसके अलावा आपको सब्जेक्ट नॉलेज इस आपको होनी चाहिए मैथ्स में क्लास 4 से क्लास 10 के लिए। उसके अलावा आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल रिटर्न और कैमरा फेसिंग स्किल, इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ गई कि आप कोई चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर आपको वीडियो बनानी, तो आपको कैमरा फेसिंग स्किल्स भी आनी चाहिए। सो बस यही सब है, और कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री धारक चाहे बीई, एमई, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक कोई भी हो इसमें अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर एक्सपीरियंस कोई भी हो धड़ल्ले से अप्लाई कर दे, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्म पेज, इसमें आप मज़े से अप्लाई कर सकते हैं, गूगल डॉक्स में बना हुआ है, आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप यार कमेंट बॉक्स है ना यार, कमेंट किया करो। ओके सो नेक्स्ट आती है हमारी अमेज़न की तरफ से आती है क्लाउड सपोर्ट एसोसिएटिव। अब आपको क्लाउड सपोर्ट एसोसिएटिव से समझ में आ रहा होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग से थोड़ा थोड़ा सा ये आपका सिमिलर जॉब है। सो आपको देख लीजिए आप क्या क्या आपकी बेसिक आपकी क्वालिफिकेशन है। सो बेसिक क्वालिफिकेशन में बात करूँ तो 0 to 1 years ऑफ एक्सपीरियंस इन लिनक्स विंडोज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, लिनक्स का या विंडोज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा डेटाबेस डिज़ाइन, ऑप्टिमाइजेशन, बिग डेटा एनालिसिस, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, किसी में भी आपके भाई किसी में तो नॉलेज हो, किसी में एक्सपीरियंस हो तो चाहिए उन्हें, ठीक है। उसके अलावा आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, CSE, IT, ECE, EEE, किसी में भी हो। उसके अलावा ट्रबल शूटिंग और सपोर्ट एक्सपीरियंस आना चाहिए, प्रोग्रामिंग होनी चाहिए आपकी, प्रोग्रामिंग हो या फिर आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की नॉलेज हो जैसे जावा, पर्ल, रूबी, सी शार्प एंड PHP। ओवरऑल रिटन कम्युनिकेशन आपकी बेस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा सेल्फ स्टार्टर,
बस यही होना चाहिए आपका। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन बात करूँ तो देखो, आपको मैंने बताया था शुरुआत में, क्योंकि आपकी जो जॉब है वही रिलेटेड आपकी क्लाउड से, क्लाउड सपोर्ट एसोसिएटिव से, तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा मल्टीटास्किंग स्किल होनी चाहिए आप में, नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए TCP/IP मॉडल वगैरह के बारे में, और OS कॉन्सेप्ट वगैरह के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो बस आप यहाँ से अप्लाई करके अमेजोन में अप्लाई कर सकते हैं। सो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।